न्यूज टुनाइट, मैं हूँ स्वाति रायना। आज संसद में महंगाई के मुद्दे पर जमकर बहस हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के जुमलों का इस्तेमाल करते हुए सरकार की महंगाई घटने की तारीख पूछी, सरकार से पूछी तारीख। राहुल ने तो प्रधानमंत्री मोदी के हर हर मोदी का मजाक बनाते हुए हर हर मोदी तक कह डाला। तो वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी के सवालों का जमकर जवाब दिया। तो आइए आपको दिखाते हैं संसद में राहुल गांधी और अरुण जेटली के बीच क्या सवाल जवाब हुए। प्रधानमंत्री जी को उनके एक वायदे के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। एक ऐसा वायदा जो उन्होंने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से किया था, एक ऐसा वायदा जिसके बारे में अब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं, एक ऐसा वायदा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आएगी, महंगाई को रोकेगी। हम महंगाई को रोक सकते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्या लाइन थी, क्या वायदा, क्या डायलॉग। मां बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पीकर सोते हैं। क्या बोला, क्या बोला। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई की सबसे गंभीर परिस्थिति अगर कोई थी तो यूपीए अपने शासनकाल में जब सत्ता से बाहर गई तो महंगाई को उस परिस्थिति में छोड़कर गई थी। और उस वक्त अगर चुनाव के दौरान देश का कोई प्रमुख नेता यह कहता है कि मैं सरकार में आऊंगा और उस महंगाई को नीचे लाने का प्रयास करूंगा तो इसमें कोई किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए थी। तो ये तो आपने शुरुआत देखी कि संसद में किस तरह बहस हुई, लेकिन ये बहस यही नहीं थमी। आरोप पर प्रत्यारोप कैसे हुए फिर से दिखाएं। मई 2014 में टमाटर 18 रुपए का, जुलाई 2016 में 55 रुपए का, 300% दाम बढ़ गया। आलू 23 रुपए का मई 2014, आज 28 रुपए का। चने की दाल 50 रुपए की, आज 110 रुपए की। 111% इंक्रीज। मगर मैं पहुंचा नहीं हूं, जिसकी मैं बात करना चाहता हूं वहां भी मैं पहुंचा नहीं हूं, आ रहा हूं। उड़द की दाल 70 रुपए की थी, आज 160 रुपए की, 120% इंक्रीज। और आखिरी तूर की दाल जो कुछ ही महीने पहले 230 रुपए की हो गई थी, 75 रुपए की हुआ करती थी, आज 180 रुपए की हो गई। लगातार 3 महीने टमाटर माइनस की रेंज में जा रहा था। अब प्री मानसून सीजन में बढ़ने लगा, मानसून की फसल आएगी फिर आप देखना। राहुल गांधी तो आज फुल मूड में नजर आ रहे थे संसद में, और दालों पर भी कैसे जमकर दंगल हुआ संसद में आपको दिखाएं। मतलब 50 रुपए के लिए उससे खरीदी जाती है और जब वो मार्केट में जाता है 180 रुपए के लिए खरीदता है। हमारे समय मार्केट रेट में और एमएसपी में 30 रुपए का फर्क, और आपके समय एमएसपी में और मार्केट प्राइस में 130 रुपए का फर्क। अब आप हमें समझाइए, मोदी जी आप समझाइए, ये 100 रुपए जो जा रहे हैं ये कहां जा रहे हैं, किसके हाथ जा रहे हैं। और आपने कहा था उत्तर प्रदेश में, आपने एक भाषण दिया था, आपने कहा था मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। लैंड के मामले में चौकीदार ने 3 बार ऑर्डिनेंस रखी, लैंड छीने की कोशिश की। अब चौकीदार के नाक के नीचे दाल की चोरी हो रही है, मगर चौकीदार ने एक शब्द नहीं कहा, चौकीदार चुप बैठे हुए हैं। खैर छोड़िए, ये जो नई इकोनॉमिक इक्वेशन आपने दी कि अगर एमएसपी बढ़ता है
तो दाल की कीमत कम हो जानी चाहिए, और कम नहीं हुई तो वो भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है मैंने ये अर्थव्यवस्था की तर्क पहली बार सुना है कि आप दाल का एमएसपी बढ़ा देंगे लेकिन दाल की अगर पैदावार नहीं बढ़ेगी या बरसात नहीं हुई, और दो साल एक बोझ रहा हमारी अर्थव्यवस्था के कि बरसात खराब थी, 12% 14% कम थी, एंड दिस ईयर द रेन गॉड्स आर होपफुली एज काइंड टू अस एज दे वर ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट। इस देश में 23 मिलियन टन की आज की तारीख में दाल की रिक्वायरमेंट है, 23 मिलियन टन, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द पल्सेस इकोनॉमी। जो पैदावार हुई दाल की वो लगभग 17 मिलियन टन के करीब है। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। नीति आयोग के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्यूचर की प्लानिंग बनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि समस्या सामने आने पर जगने की जगह हमें पहले से तैयारी करनी होगी, और इसमें उन्होंने दाल संकट का उदाहरण भी दिया। पीएम ने कहा कि इसका अंदाजा पहले से होना चाहिए था और उसी के हिसाब से तैयारी की जानी चाहिए थी। कहा कि भविष्य में क्रूड की कीमत क्या होगी, देश में जरूरत क्या होगी, इस हिसाब से अभी से प्लानिंग करने की जरूरत है। विजन डॉक्यूमेंट के बारे में पीएम ने कहा कि हमें 15 साल के लिए नहीं बल्कि पूरी सेंचुरी के लिए प्लान बनाना चाहिए। Don't see this only as something that will impact the next 15 years. He said this will lay down the foundation for this entire century. उन्होंने कहा कि मैं प्रयोग करने वाला इंसान हूँ, मुझ में हिम्मत है। So that was a very clear message to us that we should think big. प्रधानमंत्री जी ने खास कहा कि चेंज थिंग्स इन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वर्ल्ड, और इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने नया डायरेक्शन देने की पूरी कोशिश की है, और उस पर बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन कई एरियाज थे, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड, और इन सब चीजों पर हम जो काम कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जीएसटी बिल की। शतरंज के खेल की तरह अब यह नजर आ रहा है, कभी शह तो कभी मात, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। एक तरफ जहां जीएसटी पर सभी पार्टियों के बीच सहमति बनती दिख रही है, तो अब इसके अगले हफ्ते राज्यसभा में पेश होने पर असमंजस खड़ा हो गया है। संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इसके अगले हफ्ते पेश करने पर कोई सहमति नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी पर कांग्रेस अभी और चर्चा चाहती है, जिसकी वजह से इसके पेश होने में अड़चन खड़ी हो गई है। इससे पहले सरकार जीएसटी पर सभी पार्टियों के बीच सहमति बनाने में करीब करीब सफल हो गई। जीएसटी पर सहमति बनाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रीजनल पार्टियों के नुमाइंदों से मुलाकात की। सरकार करीब करीब सभी रीजनल पार्टियों को मनाने में कामयाब हुई। साथ ही ये भी बताएं कि कैबिनेट ने जीएसटी में प्रस्तावित 1% इंटरस्टेट टैक्स को हटा दिया था। साथ ही राज्यों को 5 साल तक 100% मुआवजा देने की मांग भी मान ली थी। कांग्रेस ने भी जीएसटी को समर्थन देने का संकेत दिया है। सभी राजनीतिक पार्टियों की लगभग उसमें सहमति बनी हुई, और सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों और सभी लोगों के सरोकार को पूरी तरह से ध्यान में रख करके जीएसटी बिल आ रहा है, और मुझे लगता है किसी को कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि जीएसटी बिल इस सत्र में पास हो गया। हमारी पार्टी पहले ही इसका समर्थन कर चुकी है, और जो ग्रीवांसेस थे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के या मेन अपोजिशन पार्टी के, वो भी सुलझा लिए गए हैं। ये प्रसन्नता का विषय। अभी ये कांग्रेस और बीजेपी जो पिंग पोंग खेलता था, अपोजिशन और गवर्नमेंट, ये पिंग पोंग बंद होना चाहिए, जीएसटी बिल पास होना चाहिए। तमाम सियासी दलों की प्रतिक्रिया तो आपने सुन ली। आपको बताते हैं कि मॉडल जीएसटी ड्राफ्ट में आखिर है क्या। सभी ऑनलाइन खरीदारी पर सिर्फ जीएसटी लगेगा, साथ ही जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा सिर्फ वहीं पर जीएसटी लगेगा। मॉडल जीएसटी ड्राफ्ट के 4 शेड्यूल, 162 अनुच्छेद हैं। जीएसटी रेट तय करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल के पास होगा। जीएसटी रेट की कोई कैपिंग नहीं होगी। साथ ही सालाना 9 लाख रुपए से ज्यादा टर्नओवर पर जीएसटी लगेगा। सीनियर टैक्स अधिकारियों को सर्च गिरफ्तारी का भी इसके तहत अधिकार दिया गया है। टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स के लिए रेटिंग भी जारी कर सकेगा। जीएसटी रेट का निर्धारण रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के आधार पर होगा। ये भी आपको बताएं कि जीएसटी से आखिर बदलेगा क्या। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स खत्म हो जाएंगे।
कुछ और बदलावों में एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान की ढुलाई आसान हो जाएगी, कंपनियों की ट्रांजैक्शन लागत इससे घटेगी, कंज्यूमर्स को सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ही चुकाना होगा, सरकार का रेवेन्यू 0.2% तक बढ़ेगा एनसीएआर के मुताबिक, साथ ही जीडीपी ग्रोथ में 1.5-2% तक इजाफा भी इसके तहत संभव है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी इनकम टैक्स के अफसरों के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने 22 जुलाई को मुंबई में एक बैठक की थी जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। इनकम टैक्स अधिकारियों का आरोप है कि उनके काम में रेवेन्यू डिपार्टमेंट दखल दे रहा है। अधिकारियों का आरोप है कि इससे उनके मनोबल पर भी असर पड़ा है। इनकम टैक्स के आला अधिकारियों ने रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया पर सीबीडीटी की ऑटोनॉमी खत्म करने का आरोप लगाया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए अरुण जेटली ने कहा है कि ये अनुशासनहीनता का मामला है। बात करते हैं कॉरपोरेट जगत में एक बंटवारे की। हीरो मोटोकॉर्प से जॉइंट एमडी सुनील कांत मुंजल ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। हीरो मोटोकॉर्प में उनका कार्यकाल 16 अगस्त को खत्म हो रहा है। मुंजल ने अलग कारोबार करने के लिए इस्तीफा दिया है। बड़े कारोबारी घरानों में बंटवारा कोई नई बात नहीं। बजाज, अंबानी, सिंघानिया के बाद अब मुंजाल परिवार में भी भाइयों ने कारोबार अलग करने का फैसला लिया है। देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के जॉइंट एमडी सुनील कांत मुंजाल ने इस्तीफा दे दिया है। सुनील कांत मुंजाल ने हीरो कॉर्पोरेट सर्विस के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया है। जॉइंट एमडी के तौर पर सुनील कांत मुंजाल का कार्यकाल 16 अगस्त को खत्म होना है। कंपनी ने बताया है कि सुनील कांत मुंजाल ने अपना अलग कारोबार करने के लिए इस्तीफा दिया है। उनका जोर नए कारोबार के विस्तार पर भी है। हालांकि शिवम ऑटो के चेयरमैन के तौर पर सुनील कांत मुंजाल काम जारी रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक सुनील कांत मुंजाल हीरो बीपीओ, माइंड माइन, हीरो रियलिटी में अपने पद पर बने रहेंगे। सुनील कांत मुंजाल 26 कंपनियों के बोर्ड में शामिल हैं। 11 काउंसिल में उनकी मेंबरशिप है। आपको बता दें कि सुनील कांत मुंजाल 2014-15 में दूसरी सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति थे। उनका सालाना सैलरी पैकेज 42 करोड़ रुपए था। फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प में उनकी व्यक्तिगत 10.5 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। हीरो मोटोकॉर्प के जॉइंट एमडी सुनील कांत मुंजाल जी 16 अगस्त को अपनी पोजीशन से इस्तीफा देंगे। ये संदेश दिया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को और ये बताया गया है कि ये कंपनी की बोर्ड की रीअलाइनमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न या फिर उसके ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हीरो ग्रुप के संस्थापक ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने 2010 में ही परिवार के सभी सदस्यों से ग्रुप के तमाम कारोबार में अपनी होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैसा आज का बाजार? आपको बताएं 2016 की नई ऊंचाई पर शेयर मार्केट पहुंच गया है। जीएसटी पास होने की उम्मीद से बाजार में तेजी देखने को मिली। निफ्टी 15 महीने के ऊपर स्तरों पर बंद होने में कामयाब रहा। आज के कारोबार में सेंसेक्स 184 अंक, निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। कुछ सेक्टर्स में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लॉजिस्टिक्स, पेंट शेयरों में खरीदारी दिखी। वहीं कैपिटल गुड्स और मेटल शेयर पर थोड़ा दबाव दिखा। थोड़ा बहुत यूफोरिक कंडीशन मार्केट में जरूर बना है बिकॉज ऑफ आई थिंक द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी गेटिंग थ्रू, बिकॉज ऑफ द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट्स गोइंग फॉरवर्ड इन द सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द पीरियड बिकॉज ऑफ द गुड मॉनसून। तो ये हिसाब से आई थिंक मार्केट के अंदर थोड़ी ऑप्टिमिज्म जरूर बनी है। और एट द सेम टाइम ग्लोबल मार्केट्स में जो नए फंड एलोकेशन इमर्जिंग मार्केट की तरफ हो रहे हैं उसके अंदर इंडिया के अंदर भी फंड्स एलोकेट होने शुरू हुए हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म, थोड़ी बहुत यूफोरिक कंडीशन जरूर है। और पंजाब नेशनल बैंक के पहली तिमाही के नतीजे आए। उम्मीद के मुताबिक के नतीजे रहे। तिमाही दर तिमाही के आधार पर बैंक घाटे से मुनाफे में आई है। हालांकि सालाना आधार पर बैंक का मुनाफा 57% गिरकर 306 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 721 करोड़ रुपए था। बैंक की प्रोविजनिंग 74% घटकर 2740 करोड़ रुपए रही है। तिमाही दर तिमाही के आधार पर बैंक के ग्रॉस एनपीए 12.9% से बढ़कर 13.75% रहे हैं। अप्रैल जून तिमाही में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 10% बढ़कर 3,700 करोड़ रुपए हो गई है। आई थिंक हम
जो नेट प्रॉफिट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा टर्न अराउंड हो चुका है और अभी अगले क्वार्टर्स में हमारा नेट प्रॉफिट उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा रहेगा। और स्लिपेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो स्लिपेजेस हुए थे वो करीब 27,000 करोड़ के थे और इस क्वार्टर में जो स्लिपेजेस हुए हैं वो 9,000 प्लस कुछ अमाउंट का हुआ है। अगर ये ट्रेंड हम देखेंगे तो इससे यही हमें अंदाज़ा लगता है कि आगे चलते समय चलते हुए हमारे स्लिपेजेस कम होने वाले हैं और प्रॉफिट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये इससे ज़्यादा बढ़ता जाएगा सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर्स में। देश में स्टार्टअप्स की दिक्कतों को समझने के लिए वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप्स को और सुविधाएं देने का ऐलान किया है। स्टार्टअप्स ने सरकार से सिंगल विंडो क्लियरेंस और फंडिंग मुहैया कराने की मांग की। There was also a startup, I'll mention that here, who had come on behalf of those who dispense medicines, the online pharmacists, as you may call them. They've also had difficulties expressed. So all of them are very contemporaneous. And because they are very contemporaneous, we are also looking at issues which have to be in a dynamic process in the government decision making. We'll work on them. CII ने बेंगलुरु में इनोवेशन समिट का आयोजन किया है। इस समिट में एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने पर चर्चा हुई। इन्फोसिस के को-फाउंडर और इनोवेशन समिट के चेयरमैन क्रिस गोपाल कृष्णन ने कहा कि देश में स्टार्टअप्स के लिए कारोबार शुरू करना बहुत मुश्किल है। क्रिस ने कहा कि स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। क्रिस गोपाल कृष्णन से खास बात की हमारे संवाददाता तानिया दुबे ने। What is this innovation summit and इससे क्या CII चाहती है स्टार्टअप इकोसिस्टम में कॉन्ट्रीब्यूट करना? So the focus this year, this is the 12th edition, is on entrepreneurs. We want to showcase entrepreneurs. We want to tell their stories so that more and more people take entrepreneurship. Many entrepreneurs try their hand at startups, but the startups may fail. So why do entrepreneurs keep on trying to do this? So we want to encourage them to interact, network, learn, and if you learn from the mistakes of others, you tend not to make those mistakes. So now the focus is more on taking entrepreneurship to tier 2, tier 3 cities, to rural areas, taking entrepreneurship to areas other than digital commerce and things like that, to healthcare, to biotech, to other areas. Third is how can the state also add to the funding? So maybe not direct funding, but funds that will in turn provide the capital required for startups. SoftBank के पूर्व प्रेसिडेंट और सीईओ निकेश अरोड़ा को कॉम्पनसेशन काफी बड़ा मिला है। दरअसल निकेश की कॉम्पनसेशन और खर्चे का कुल हिसाब करीब 2010 करोड़ रुपए है, जिसमें करीब 435 करोड़ रुपए निकेश अरोड़ा के खर्चे हैं, जबकि कंपनी में दो साल अपनी सेवाएं देने की एवज में उनको कॉम्पनसेशन के तौर पर 1575 करोड़ रुपए की मोटी रकम मिली है। साथ ही कंपनी ने निकेश अरोड़ा से करीब 1008 करोड़ रुपए के शेयर भी वापस खरीद लिए हैं। मतलब आगे महाराष्ट्र सरकार की नो हेलमेट नो पेट्रोल पॉलिसी खटाई में पड़ गई है। परिवहन मंत्री दिवाकर रहते की इस पॉलिसी पर पुनर्विचार का आदेश देकर सीएम फडणवीस ने सूबे के परिवहन मंत्रालय को तगड़ा झटका दिया है। पिछले दिनों परिवहन मंत्रालय ने बिना हेलमेट टू व्हीलर्स चलाने वालों को पेट्रोल नहीं देने का फरमान जारी किया था, लेकिन इस पर पेट्रोल पंप मालिकों ने 1 अगस्त से हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी। पेट्रोल पंप मालिकों ने कहा कि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से पेट्रोल और डीजल खरीदना बंद कर देंगे। दिल्ली आगरा रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के बाद अब रेलवे कई रूट पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन रूट पर पहले ही काम चल रहा है। रेलवे जल्द ही अब दिल्ली अमृतसर रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू कर सकता है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे बोर्ड अधिकारियों को इस रूट पर जल्द से जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डायमंड क्वाड्रिलेटरल पर कई और हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की योजना है, साथ ही 8 और सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने पर विचार हो रहा है। रेल मंत्री टाल्गो ट्रेन के सफल ट्रायल रन से भी बेहद खुश हैं, जो देश में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है। टाल्गो ट्रेन ट्रायल रन में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ चुकी है।
जेट एयरवेज ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्रैब योर फ्रीडम स्कीम लॉन्च की है। स्कीम के तहत घरेलू और विदेशी उड़ान पर 30% तक छूट मिलेगी। स्कीम का फायदा उठाने के लिए 29 जुलाई तक आपको टिकट बुक करानी होगी। साथ ही स्कीम के तहत बुक टिकट से 15 अगस्त के बाद यात्रा की जा सकेगी और भारत सहित यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और गल्फ देशों के लिए टिकट बुक कराई जा सकती है। दुनिया के अमीरों के लिए पैसा जमा करने का नया ठिकाना अब दुबई, कतर और सिंगापुर बनता जा रहा है। भारतीय उद्योगपति गोपीचंद हिंदुजा के मुताबिक स्विट्जरलैंड अब बैंकिंग के लिहाज से अपना आकर्षण खो चुका है। उन्होंने कहा कि टैक्स ट्रांसपेरेंसी के चलते अब बैंकिंग के लिहाज से अमीरों के लिए स्विट्जरलैंड का कोई आकर्षण नहीं बचा। हिंदुजा के मुताबिक लोग अब दूसरे ठिकाने तलाश रहे हैं। आपको बताएं, गोपीचंद हिंदुजा के बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा ने स्विट्जरलैंड में हिंदुजा बैंक वो चलाते हैं जिसके वो चेयरमैन भी हैं। हिंदुजा बैंक 230 करोड़ डॉलर का फंड मैनेज करता है।